हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है डीयू के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो 10th अक्टूबर के बाद प्रैक्टिकल होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे कंटेंट है एंड उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस, उसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आता है। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है। फ्रेंड्स, फाइनेंस इंक्लूड्स पेंटिंग, स्केचिंग एंड स्कल्पचरिंग, ओनली 3 थिंग्स। यू हैव टू डिसाइड विच वन ऑफ योर फेवरेट। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो थीम होगा, थीम्स होगा क्या क्या ऊपर बेस्ट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू ड्यू एंड रिसोर्स ऑफ अदर कॉलेजेस, द थीम और थीम्स विल बी गिवन टू एनी पार्टिसिपेंट एट द टाइम ऑफ द वेन्यू, दैट मीन्स एट द स्केड्यूल टाइम विच विल बी डिसाइडेड बाय द ड्यू एंड अदर कॉलेजेस, जो भी आपका 10th अक्टूबर के बाद होने वाला है। सो थीम डिसाइड करना अब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ड्यू ने साफ साफ मना किया कि उससे पहले नहीं दे सकते हैं। बट वी कैन गेस, हम बता सकते हैं कि ड्यू के अंदर क्या क्या चीजें आता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है हर साल लैंडस्केप के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, तो आपको लैंडस्केप को तैयार करना चाहिए एक क्वेश्चन। एंड अनदर टॉपिक इज फेमस पर्सनालिटी, किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर आप अच्छा सा टॉपिक बना सकते हैं। एंड करंट इवेंट सोलर सिस्टम के ऊपर, ऐसे चीजें के ऊपर आप तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या क्या होने वाला है एंड मैक्सिमम पीरियड हमें कितना मिलने वाला है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम द ड्यू, आपको पता है जो टाइम पीरियड होगा पेंटिंग एंड स्केचिंग के लिए, इट इज ओनली 1 आवर। मैक्सिमम पीरियड इज 1 आवर फॉर एवरी पार्टिसिपेंट। एंड दोस्त, मूविंग फॉरवर्ड फॉर स्कल्पचरिंग, इट विल बी 1.5 आवर फॉर योर स्कल्पचरिंग, दैट मीन्स आपके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है स्कल्पचर के लिए। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे नहीं समझते, बाद में वेन्यू में जाके बहुत परेशान हो जाते हैं, वो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स। आपको क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या आप अपने साथ लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ड्यू एट द टाइम ऑफ वेन्यू, आपको कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। द पार्टिसिपेंट हैज द सोलो अथॉरिटी टू ब्रिंग देयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स। आपको पेंटिंग के लिए ब्रश और कलर कुछ भी चाहिए, सब कुछ आप घर से लेके जाओगे, आपको कुछ भी वहां पे नहीं मिलेगा। आपको वहां से दूसरों से मांगने से बेहतर वी हैव टू फर्स्ट अरेंज दिस देन गो टू द वेन्यू, समझ सकते हो। तो इसलिए प्रिपेयर होके जाना, कोई भी चीज किसी के लिए मांगना मत, आप अपना हर चीज लेके जाना वहां के लिए, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ये था दोस्तों हमारे फाइन आर्ट्स के बारे में, जितने डिटेल्स था मैंने आपको सारे बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।